विजिबिलिटी कम होती जा रही है धीरे धीरे, हमारे यहाँ विजिबिलिटी ख़त्म, लिटरली ख़त्म भाई। चलिए अब थोड़ा और ध्यान से चलना पड़ेगा। ओ भाई देखो टायर कैसे टूटा हुआ है। वेलकम टू माई YouTube चैनल। अभी आया अपनी छत पे, अभी भैया को बाय बाय बोलने, क्योंकि आज हम जा रहे हैं सोलन और शिमला वाली ट्रिप पे, सर्विस भी करानी है और घूम के भी आएंगे। तो मिलता हूँ मैं आप सब बाइक पे। तो भाई लोग आ चुके हैं अपनी बाइक के ऊपर। आज की राइड रहेगी मंडी से बद्दी, और बद्दी है मंडी से 150 किलोमीटर। और कल सुबह जाऊंगा फिर अपने एक फ्रेंड के साथ बद्दी से सोलन सर्विसिंग के लिए, और फिर सोलन से निकलेंगे सीधा शिमला। तो इसके लिए पार्ट्स में निकालूंगा वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो अभी कर दो, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे। अब तो चलते हैं आप साथ में। अब आज बद्दी तक जाना है बस, वहाँ पर आज एक फ्रेंड मिलेगा उसके साथ रहेंगे, और कल सुबह निकलेंगे फिर सोलन के लिए। तो लेट्स रोल गाइस। सबसे पहले हम पेट्रोल डलवा लेंगे, आज तो टैंक फुल ही करवा लेंगे क्योंकि काफ़ी दूर जाना है, 150 किलोमीटर है अभी बद्दी यहाँ से। भाई फुल कर दो। तो अपनी फ्यूलिंग हो गई है डन, अब निकलते हैं आगे अपने लंबे सफ़र की ओर। आज वैसे मौसम अच्छा हो गया, वेदर रिपोर्ट में तो बारिश बताई थी, तो मैंने सोचा नहीं था कि आज मैं जा पाऊँगा, बट चलो अच्छी बात है, धूप लग रही है अच्छी। अब राइड करने में और अच्छा लगेगा क्योंकि सर्दियों में धूप अच्छी लगती है सबको, और व्यू का भी अच्छे से मज़ा ले पाएंगे हम। भाई कितना ज़्यादा धुआं छोड़ रही है यार ये बस, इनको रोकना चाहिए ना पुलिस वालों को, पॉल्यूशन कंट्रोल इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता क्या? ये देखो, ओ भाई बादल छोड़ रही है भाई, सीधा बादल। तो अपना सामान हो चुका है अब पैक पूरा। स्पेशल थैंक्स तो अपने सैनी भाई को, इन्होंने बंजी कॉर्ड दे दिया हमें ट्रिप के लिए। तो भाई अब हमने अपना लगेज बांध दिया है बाइक पे पीछे रियर सीट पर, पिलियन पर। यहाँ सामने है सुंदरनगर लेक, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ये आ गई अब सुंदरनगर की जो मेन मार्केट है वो, तभी यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, बट टू व्हीलर का फ़ायदा तो होता ही होता है ट्रैफिक में। तो बाइक में इस वक्त यहाँ से बहुत ज़्यादा गंदी आवाज़ आ रही है, जैसे कि कुछ टूटा हुआ हो, जब भी थ्रॉटल छोड़ रहे हैं तो बहुत गंदी आवाज़ आ रही है। ये भी सर्विस के टाइम चेक करवाऊँगा कि क्या प्रॉब्लम है। अभी कोई ATM भी देखूँगा अगर अपनी तरफ होगा तो, कैश निकालना है, बट यहाँ पर तो है नहीं, दूसरी तरफ था, अपनी तरफ तो कोई दिखा नहीं अब तक, तो आगे देखते हैं। और कैश बिल्कुल भी नहीं है, और कई जगह पे सिर्फ कैश ही चलता है, गूगल पे वगैरह नहीं लेते, तो इसलिए कैश होना इम्पोर्टेंट है। भाई अभी रोड तो अच्छा है, पीछे काफ़ी ज़्यादा गंदा रोड था, बट ऐसे ही रोड रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, पर ऐसा होगा नहीं, आई नो आगे जाके फिर से गंदा रोड स्टार्ट हो जाएगा। नाइस भाई, ये गंदा रोड ना सब खराब करता है साहब, वहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, सामने देखो, बस मेरे पहुँचने तक बारिश ना हो जाए, अगर बारिश हुई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, ना व्लॉग बना पाऊँगा और स्पीड भी काफ़ी स्लो हो जाती है फिर।
ये वाला जो एन एच है ये चंडीगढ़ मनाली एन एच ही है। तो फाइनली एटीएम मिल गया था, अब चलते हैं वापस अपनी मंजिल की तरफ। तो लेट्स गो भाई, ये दिल्ली वाले नहीं मानते यार, ढंग से चला करो भाई, क्या ही बोले। मोड पे ना ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा बच के रहना पड़ता है, क्योंकि हिमाचल वाले कभी भी मोड पे ओवरटेक नहीं लेते, बट ये बाहर के बंदे होते हैं ना ये भाई, कहीं पर भी कैसे भी बस इनको जल्दी पहुंचना होता है, पता नहीं क्यों। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आप किसी भी स्टेट से हो तो फिर अच्छे से चलाया करो यार गाड़ी, अगर आप आते हो हिमाचल में। आई नो नीचे प्लेन्स में चंडीगढ़ दिल्ली में तो रोड सीधे सीधे होते हैं, वहाँ फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, बट यहाँ पर टर्न्स पे ओवरटेक करोगे तो अपनी लाइफ को भी रिस्क होगा और औरों की लाइफ को भी रिस्क होगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए सेफली चलो। एक तो ये ट्रक इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ाते हैं ना, फिर पास लेना ही पड़ता है इनसे, इनके पीछे ज़्यादा देर चले तो बस धूल मिट्टी से भर जाएंगे। विशाल मेगा मार्ट, डोमिनोज, काफ़ी कुछ है यहाँ पर। तो अगर दोस्तों के साथ होता तो यहाँ जाता डोमिनोज, बट अकेले क्या ही करूँगा जाके। कि बद्दी जो है वो हिमाचल चंडीगढ़ के बिल्कुल बॉर्डर पर पड़ता है, तो जिस फ्रेंड के पास मैं आज जा रहा हूँ वो बोल रहा था कि आज शाम में फिर चंडीगढ़ निकल जाएंगे ऐसे घूमने के लिए थोड़ी देर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। क्योंकि मैं देखता हूँ भाई बंदे आते हैं, अच्छा लगता है, ऐसा बुरी बात नहीं है, बंदे आते हैं कमेंट करते हैं और क्वेश्चंस भी पूछते हैं, बट ब्रो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो फिर सब्सक्राइब भी कर दो ना, आपके लिए तो फ्री है और एक सेकेंड लगता है सिर्फ। एक सजेशन आप मेरे को देना कि मेरे को अपनी वीडियो ज़्यादा रॉ रखनी चाहिए, या फिर जैसे मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह ऐड करता हूँ या बीच में मीम टेम्पलेट्स वगैरह डालता हूँ वो सब डालनी चाहिए या फिर रॉ रखनी चाहिए। इस वाले रोड पे शायद से मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी बाइक लेके जा रहा हूँ, यहाँ मैं कभी नहीं आया बाइक पे, और बद्दी तो मैं बहुत कम गया हूँ, बाइक पे तो एक बार भी नहीं गया हूँ, गाड़ी में गया हूँ जितनी बार भी गया हूँ। ये देखो भाई दिल्ली वाले लौंडे की करतूते देखो भाई। हम पहुंचने वाले हैं स्वर घाट, अभी तक हम चल चुके हैं 105 किलोमीटर। कोशिश करूंगा कि व्लॉग ज़्यादा लंबे ना रहे, बट इतनी लंबी राइड है तो फिर व्लॉग्स थोड़े से लंबे तो हो ही जाएंगे यार, जितना मर्ज़ी मैं एडिट करके कट कट करके डालूंगा बट स्टिल लंबे तो होंगे ही व्लॉग्स, तो फिर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना और पूरे व्लॉग्स देखना। मोटो व्लॉग तो ऐसी चीज़ है यार, किसी भी मोड पे नई चीज़ देखने को मिल सकती है, इसमें तो कुछ मिस कर ही नहीं सकते, क्या बता जब जैसी आपने वीडियो बंद करी उसी के बाद कुछ इंटरेस्टिंग हो ज़्यादा। फॉग बढ़ती ही जा रही है इसलिए अब हम कर लेंगे अपने हैज़ार्ड्स ऑन। हैज़ार्ड्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं यार, रोड प्रेजेंस काफ़ी बढ़ जाती है बाइक की। बद्दी के लिए नीचे वाला, थैंक यू। चलो अच्छा हुआ पूछ लिया, यहाँ से नीचे चला जाएगा बद्दी के लिए तो हम मुड़ जाएंगे। हम फॉग देखो एक बार कितनी मस्त है, विजिबिलिटी कम होती जा रही है धीरे धीरे, और यहाँ विजिबिलिटी ख़त्म, लिटरली ख़त्म भाई। आई डोंट नो कैमरा में शायद ज़्यादा दिखता है बट सामने से तो बहुत कम दिख रहा है इस टाइम। ये देखो गाड़ियाँ निकल के आ रही हैं अचानक से, तो इसके लिए थोड़ा और ध्यान से चलना पड़ेगा भाई, पता नहीं दिखता नहीं है क्या इन्हें। सीधे रोड आते हुए, रोड की हालत पीछे तो काफ़ी ख़राब थी, यहाँ जैसे थोड़ा सा अच्छा पैच आया है, एकदम सीधे सीधे रोड, पहाड़ भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुके हैं। वो भाई देखो टायर कैसे टूटा हुआ है, बच गया होगा भाई बंदा। अब बद्दी बस पहुंचने ही वाले हैं, और ये तो भाई बिल्कुल प्लेन एरिया है हिमाचल का, लगता भी नहीं है कि हिमाचल में होगा, कोई पहाड़ नहीं कोई कुछ नहीं, पंजाब की तरह फील आ रही है यहाँ पर तो।
पर अच्छी जगह है। अब इसी सीरीज के 3 एपिसोड्स और आएंगे, तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से, क्योंकि अभी तो नॉर्मल रोड ही देखे, अभी सोलन और शिमला वाला रोड बहुत अच्छा है, वहाँ पर व्यू भी बहुत अच्छे अच्छे होंगे। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को जल्दी से, ताकि वो सब आप मेरे साथ एंजॉय कर पाओ। ऑलमोस्ट अंधेरा भी होने वाला है और बद्दी भी पहुँच ही गए अब, तो बस अब करेंगे अपने फ्रेंड को कॉल और करेंगे उसका वेट, देखते हैं वो कितनी देर के बाद आएगा। भाई R15 देखो, V2 कितनी ज़्यादा लाइट्स लगाई है बंदे ने, ये देखो तो अच्छी लग रही है, बुरी नहीं है। तो गाइस फाइनली पहुंचने वाले हैं और रात हो चुकी है ऑलमोस्ट, मतलब रात तो क्या ही अंधेरा हो गया है, टाइम अभी तो 6 बजे हैं। और बस अब वहाँ पहुँचने वाला हूँ, अब करूँगा अपने फ्रेंड का वेट। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ये था 1st एपिसोड हमारा, अब कल सुबह निकलेंगे हम सोलन के लिए, तो मिलता हूँ आपसे 2nd एपिसोड में। तब तक चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर दो और ध्यान रखो अपना सब। पीस आउट, बाय बाय।